वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में फिर से गिरावट नजर आ चुकी है, जो तेजी देखने को मिली थी लास्ट वीक के अंदर, उसके अपोजिट इस वीक में मोमेंटम देखने को मिली। एंड ऑफ द वीक में देख सकते कि गिरावट नजर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन 1 लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है स्टॉक। तो सबसे पहले न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कोई खास अपडेट या कोई खास न्यूज नहीं है, पर जो तेजी देखने को मिली थी वो तेजी भी खत्म होती दिखाई दी है, क्योंकि जो देख सकते कि 2-3-4 दिन पहले जो तेजी थी वो एक अच्छी तेजी वॉल्यूम भी क्रिएट कर रही थी, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देते हुए ऊपर जा रहा था स्टॉक, पर अभी रिसेंटली फिर से गिरावट नजर आ चुके। मार्केट कैप 1.23,000 करोड़ का है। लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए तो स्टॉक के अंदर देख सकते कि जो तेजी के साथ ऊपर चला गया था वही तेजी के साथ नीचे आ रहा है, पर 1 लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो और नीचे जा सकता है स्टॉक। वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है टोटली 2,32,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू 227,00,000 का ट्रेडेड वैल्यू है। एंड ऑफ द डे बाइंग के लिए काफी सारे क्वांटिटी पर कोई उपयोग नहीं। अपर सर्किट लोअर सर्किट आज के लेवल से आप चेक कर सकते हो। सिक्योरिटी और डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो 2 करोड़ में से 1,52,00,000 डिलीवरी के लिए जा चुके हैं क्वांटिटी, टोटल 76%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक ने एक रिकवरी के बावजूद यहाँ पे गिरावट नजर आ चुके हैं। मीन्स टोटल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक के मोमेंटम की बात की जाए तो स्टॉक ने तेजी दिखाई थी इस वीक के स्टार्ट से, यहाँ पे 3 दिन तेजी थी, फिर लास्ट के 2 दिन में गिरावट नजर आ चुकी है, पर रिसेंटली फिर से स्टॉक में 1.80 तक जा सकता है।